जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं भाद्रपद मास के तीसरे दिन श्री कृष्ण लीला का तीसरा अध्याय, कृष्ण जन्माष्टमी और नंद उत्सव का भाव। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान नंद बाबा के घर श्री कृष्ण जी प्रकट हुए हैं और नंद उत्सव मनाया जा रहा है। सभी नंद उत्सव मना रहे हैं। उत्सव का अर्थ होता है उत्साह, खुशी। सारे गोकुल में ही नहीं, सारे ब्रज में उत्सव मनाया जा रहा है। सभी को लग रहा है कि हमारे ही घर कृष्ण ने जन्म लिया है, क्योंकि जब तक परमात्मा को अपना नहीं मानोगे, आपको आनंद नहीं आएगा। वो आनंद ही कृष्ण है। तभी तो नंदोत्सव कहा गया है। नंद बाबा ने उन्हीं ब्राह्मणों को बुलवाया जिनकी कृपा से ये दिन देखने को मिला। जात कर्म करवाए गए, 7 तिल के पर्वतों का दान किया और 2,00,000 गऊओं का भी दान किया। नंद बाबा ने सभी को दान दिया है और खूब लुटाया है। ऐसा लग रहा है जैसे लक्ष्मी ब्रज में लोट लगा रही हैं। नंद बाबा ने जिस वस्तु की कामना की है उसी के अनुसार लुटाया है। किसी ने हाथी की सवारी मांगी है, किसी ने गैया मांगी है। यह कथा मैंने गुरुदेव के मुख से सुनी है, आनंद ही है। एक ब्राह्मण नंद बाबा के पास आए और उस बाबा को बधाई दी है। ब्रजराज, बधाई हो, बधाई हो। नंद बाबा ने ब्राह्मण को प्रणाम किया और कहा, क्या चाहिए ब्राह्मण देव? उसने गौ की याचना की है। नंद बाबा ने उसे गौ प्रदान की है। ब्राह्मण गौ लेकर अपने घर आ गया। घर में आंगन में गौ बांधी। ब्राह्मण ने सोचा, आज तो नंद बाबा को होश नहीं है कि कौन कितनी बार दान लेकर जा रहा है, तो लुटाए जा रहे हैं। बस क्यों ना एक गौ और ले आऊं। दोबारा पहुंच गए नंद बाबा के घर और कहा, ब्रजराज, बधाई हो। बाबा बोले, क्या चाहिए महाराज? बोले कि एक गौ दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ले जाओ। एक गौ और दान दे दी। उन्हें याद नहीं है कौन कितनी बार क्या लेके जा रहा है। भैया, जिसको बाकी बिहारी मिल गए उसे दुनिया की कोई बात याद ही नहीं रहती है। ब्राह्मण गौ लेकर घर गए और वो भी बात दी। फिर पहुंच गए नंद बाबा के घर। बस लाए जा रहे हैं और नंद बाबा भी दिए जा रहे हैं। ब्राह्मण का पूरा आंगन गायों से भर गया। अब भी नहीं रुके और गौ लेकर आ गए। ब्राह्मणी बोली, अब यहाँ कहाँ बांधोगे? ब्राह्मण ने एक खूटा लिया और कमरे में गाड़ दिया और वहाँ गौ बांध दी। देखते ही देखते ब्राह्मण के सारे कमरे भी गौ से भर गए। लेकिन कमाल है, फिर एक गौ ले आए। ब्राह्मणी बोली कि अब तो घर में बांधने की जगह भी नहीं है, कहाँ बांधोगे? ब्राह्मण बोला कि अभी भी जगह बची है, तू बस देखती जा। जैसे तैसे रस्सी खींचकर गौ को लेकर गए और घर की छत पर बांध दी और लाए जा रहे हैं। सारी छत भी गायों से भर गई है। आंगन में गाय, कमरों में गाय
और छत पर गा, पर कमाल हो गया। फिर एक गौ ले आए, ब्राह्मणी बोली कि महाराज हद पार कर दी आपने, अब तो कहीं भी जगह नहीं है। ब्राह्मण बोले कि अभी भी जगह बची है, जैसे तैसे रस्सी पकड़कर गौ को अंदर लेकर गए और चूल्हा ही तोड़ दिया, चूल्हे में ही खूंटा गाड़ दिया। ब्राह्मणी ने सर पीटा और बोली कि महाराज ये क्या कर दियो, चूल्हा ही तोड़ दिया, अब रोटी कहाँ बनाऊंगी। ब्राह्मण बोले कि अरे बावरी, रोटी खाएगा कौन, अब तो नंद के घर लाला हुए हैं, दूध दही और माखन ही खाएंगे बस। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इस प्रकार सबने बहुत आनंद से इस उत्सव को मनाया है। नंद बाबा उस उत्सव को मनाकर मथुरा गए हैं, क्योंकि नंद बाबा प्रतिवर्ष वार्षिक कर प्रदान करने के लिए मथुरा जाया करते थे। कंस को कर प्रदान कर जब लौटने लगे तो याद आया अपने मित्र वसुदेव से भी मिलता चलूं। जब दूर से नंद बाबा को आते देखा तो देखकर गदगद हो गए। आओ नंद जी आओ, आपसे मिलकर ऐसा लगता है जैसे निष्प्राण देह में प्राण आ गए हों। गोकुल में सब प्रकार से आनंद है, आपके यहाँ बेटा हुआ है और गोकुल में सब ठीक है ना। देखिए इस बात को वसुदेव छिपा रहे हैं कि खुद ही लाला को गोकुल छोड़कर आए हैं। नंद बाबा को भी ये बात मालूम नहीं है। नंद बाबा कहते हैं कि लाला एकदम ठीक है। वसुदेव कहते हैं कि हमारे ऊपर तो प्रभु की कृपा खूब बरस रही है, पर आपके साथ विधाता ने ठीक नहीं किया। वसुदेव जी एकदम चौंक गए और बोले कि ब्रजराज आप क्या कहना चाहते हैं। नंद बाबा कहते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि उस दुष्ट कंस ने देवकी के 6 पुत्र मार दिए, 7वां देवकी का गर्भ नष्ट हो गया और 8वीं कन्या हुई और वो भी स्वर्ग सिधार गए। वसुदेव ने कहा देखा नंद, आज हमारे जीवन में दुख है तो कल सुख भी आएगा, पर आपसे एक बात कहूँ कि मेरे मन में शंका हो रही है, आप शीघ्र ही गोकुल पधारिए। नंद बाबा ने एक क्षण का भी विलंब नहीं किया और वसुदेव से आज्ञा लेकर गोकुल पधारे हैं। वहाँ पूतना आई हुई थी।